छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों के आयोजनों को लेकर दुर्ग निगम में हुई बैठक और तैयारी सब ठंडे बस्ते में नजर आई। वहीं राजीव मितान को मिली जवाबदारी के बावजूद नहीं हो पाया ओलंपिक खेलों का शुभारंभ। छत्तीसगढ़ के पहले त्योहार हरेली के अवसर पर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों का आयोजन सभी जिलों में किया गया। साथ ही राज्य के मुखिया भूपेश बघेल के द्वारा छत्तीसगढ़ में तीज त्योहार परंपराओं को संवारने एवं सहजने का कार्य की शुरुआत की गई। वहीं भूपेश बघेल की मंशा के अनुसार सभी जिलों में ओलंपिक खेलों का शुभारंभ होना था, लेकिन दुर्ग शहर में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल का कोई भी अंश देखने को नहीं मिला। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों की आज शुरुआत होनी थी, दुर्ग निगम में शुरुआत होना था, लेकिन बारिश का हवाला देकर कार्यक्रम को टाला गया। साथ ही साथ राजीव मितान की अनदेखी के चलते ये आयोजन नहीं हो पाया और इस ओलंपिक की रूपरेखा बनाने के लिए निगम आयुक्त ने चार दिन पहले ही इस खेल की बैठक की ली थी, लेकिन इस कार्यक्रम का शुभारंभ दुर्ग में देखने को कहीं पर भी नजर नहीं आया। इस पर राजनीतिक नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य के विषय है ना, जो अपन मुख्यमंत्री जी है शुभारम्भ कर रही से, आज से शुभारम्भ होना रही से खेल के ओलंपिक के छत्तीसगढ़ी, लेकिन यहाँ नगर निगम में कोई खेल के आयोजन नहीं करे गए हैं। मतलब और चार दिन पहली बैठक हो रही से है ना, आज के दिन शुभारम्भ करेंगे करके निगम में, लेकिन आज कोई खेल के आयोजन नहीं करे गए है। एक तरफ खेल बढ़ावा देते छत्तीसगढ़ी खेल भूपेश बघेल जी, और ओकर मनसा के रूप यहाँ काम नहीं होते दुर्ग निगम में है ना। एकर मन निंदा करे बर आए हैं निगम में, बात के घोर निंदा करता नहीं करो। राजीव मितान जो बोलते हैं लोग, राजीव मितान सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए है, कहीं देखने के नहीं मिल रहा है। राजीव मितान के जो निधि है सिर्फ इन लोग खाना पूर्ति का वो हो रहा है, कहीं सिर्फ जेब में ढकार रहे हैं लोग पैसा, कहीं किसी को लाभ नहीं मिल रहा है राजीव मितान से। ध्रुव कुमार लंगूर सोनी, अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद के प्रदेश अध्यक्ष, सर्वप्रथम आज दुर्ग शहरवासियों को और प्रदेशवासियों को हरेली पर्व त्यौहार के हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का लगातार प्रयास है कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक कार्यक्रम के तहत हमारे छत्तीसगढ़ के होनहार बच्चों को देश विदेश की तमाम खेलों पर जो है ना उन्हें आयोजन के माध्यम से भेजा जाना था, लेकिन आज पूर्व में माननीय महापौर महोदय जी और माननीय आयुक्त महोदय जी के कर कमलों में एक बैठक आयोजित किया गया था, और जिसमें हमारे राजू मितान क्लब के पूरे पदाधिकारियों के द्वारा आह्वान किया गया था कि बहुत ही अच्छे ढंग से दुर्ग नगर निगम में ओलंपिक खेलों का कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा, लेकिन यहाँ नगर निगम आज सुनसान दिख रही है, जबकि माननीय भूपेश बघेल जी आज इस पर्व के लिए जो है ना अवकाश भी घोषित किए हैं, और माननीय विधायक जी तो ऐसे हैं कि वो केवल एक फ़ोटो खिंचाने तक के जो है ना सीमित है, और उनका कार्यक्रम से ऐसा लगता है कि माननीय भूपेश बघेल मुख्यमंत्री जी का आदेश का अवमानना है, और जनता को जो लाभ मिलना चाहिए, जो खेल आयोजन में जो हमारे प्रतिभावान बच्चे हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं, तमाम समाज के लोगों को जो इस आयोजन का लाभ मिलना चाहिए, वो लाभ नहीं मिल पाया है। इसके लिए बड़ी ही दुखद का विषय है, और हम आशा करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि ऐसे कार्यक्रमों का जो संचालन नहीं होना, ये उनको संज्ञान लेना चाहिए माननीय भूपेश बघेल जी को। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।